रीवा में आरटीओ अधिकारियों के गलत कामों को उजागर करने वाले विधायक प्रदीप पटेल पर मामला दर्ज। रीवा के परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी पर पुलिस ने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व सड़क में जाम लगाने का मामला दर्ज करते हुए मामले को विवेचना में लिया है। आपको बता दें कि रीवा टोल नाके पर कुछ दिन पहले लंबा जाम लगा था। उसी समय विधायक प्रदीप पटेल वहां से गुजर रहे थे। जाम देख उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से जाम की वजह पूछी तो रीवा आरटीओ की सच्चाई सामने आई। वो गरीब ड्राइवर ने बताया कि आगे आरटीओ की जांच चल रही है, जांच के नाम पर अधिकारी पैसे वसूलने का काम कर रहा है। काफी समय से उन्होंने हमारे कागजात पे रखे है, ट्रक में ज्यादा माल था, बाकी कुछ भी त्रुटि ना होने के बावजूद अधिकारी 2 से 2.5 हजार रुपए मांगता है। ड्राइवर की आपत्ति सुनने के बाद विधायक अधिकारी के पास गए तो वहाँ पे सरकारी अधिकारियों ने 4 से 5 हट्टे कट्टे गुंडे पाल रखे थे। विधायक को देख सभी वहाँ से भाग गए। आरटीओ की इस नीति के विरोध में विधायक ने इसी टोल नाके पर आंदोलन भी किया। इसी आंदोलन का बहाना कर आरटीओ अधिकारी ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने का आरोप देश भर के ट्रांसपोर्ट यूनियन कर रही है। वाड़ी के भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने इस मामले का निषेध किया है। उनकी मांग है कि इस मामले की सही जांच की जाए, साथ ही जो गलत है उन्हें सजा दी जाए। प्रहलाद अग्रवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अध्यक्ष मेरे साथ जुड़ी हुई भाईचारा राजमार्ग संस्था, शिवाजी महाराज वाहन चालक संस्था, इन लोगों ने मेरे पास आकर मेरे को जो रीवा में घटा जिन ड्राइवर भाइयों के लिए और सिंगल मोटर मालिकों के लिए गरीब संस्था के लिए में हम काम कर रहे हैं उनका एक हादसा बना। रीवा में कोई विधायक सर जा रहे थे और वहाँ गाड़ियाँ रोकी गई तो उनको हाथ किया गया, तो उनसे पूछा गया कि भाई ये हमको तंग कर रहे हैं, आप हमारी हेल्प करेंगे क्या। उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, उसको वहाँ के आरटीओ ने उल्टे रूप में उनको फंसाने के लिए ऐसा किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हम इसकी इंक्वायरी अच्छे से की जाए और जो गलत हैं उनको सजा दी जाए। अगर हमारा साथ देने वाले सही हैं तो अगर हमको लगा कि वो सही हैं तो उनके साथ हम आंदोलन में भी जुड़ेंगे, और अगर उनको कुछ सरकार ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उनके सपोर्ट में आएंगे। हम उनके साथ होंगे, उनको अगर कोई मान लो केस किया है तो उनको अरेस्ट करेंगे, तो हम भी कोर्ट भरवाल जेल भरवाल आंदोलन भी करना पड़ा तो हम करेंगे। हम सब उनके साथ हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी फेल हो रही है, उसको बचाने में वो हमारा साथ दे रहे हैं। हमको उनका साथ चाहिए, कोई भी हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं, और उसके लिए हम फुल अपने तन मन धन से साथ देंगे। जय हिंद जय भारत। दूसरी ओर भाईचारा राजमार्ग संस्था के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा इन्होंने इस मामले की जांच की जाने की मांग मुख्यमंत्री कमलनाथ से की गई है। मैं नरेंद्र मिश्रा भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा का संस्थापक हूं। अभी हाल में जो घटना घटी है शनिवार को 1/2/2020 को माननीय प्रदीप पटेल जी किसी कारण से उस रोड से रीवा बाईपास से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे सभी प्रदेश के ट्रक वालों खड़े थे, तो उन्होंने ट्रक वालों ने हाथ दिया तो प्रदीप पटेल जी ने वहाँ पे रुके। रुकने के बाद देखे कि यहाँ पे परिवहन माफिया सक्रिय है और आरटीओ के प्राइवेट गाड़ियों के साथ में निजी गुंडे भी थे। गाड़ी वालों ने बोले कि भैया हमारा फाइल ले गया, 25 से 30 हज़ार रिश्वत मांगा, तो उन्होंने उसको बोले क्यों ऐसा क्यों किया गया, तो अधिकारी से बात किया, अधिकारी ने बोले ठीक है आप जाइए हम इस पर संज्ञान लेंगे। फिर रात को उन्होंने आरटीओ मनीष त्रिवेदी ने विधायक के ऊपर में केस दर्ज कराए कि हमारे सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। तो हम इस तरह की जानकारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल जी को दिया कि हमारी संस्था लड़ाई लड़ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवहन माफिया मुक्त कराने के खिलाफ, तो एक आदमी के ऊपर में ऐसा ऐसा केस दर्ज कराया गया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वो भी लड़ना चाहता है, और हमारे प्रदेश से या देश से सभी प्रदेश से वरिष्ठ अधिकारी भी हमारा साथ दे रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग साथ दे रहे हैं। हम तो सभी का साथ लेना चाहते हैं जो इस संगठन का साथ दें। आज ट्रक इंडस्ट्री डूबने के चक्कर में और ट्रक इंडस्ट्री से हर क्षेत्र के लोगों का विकास हो रहा है, सबके एक ट्रक इंडस्ट्री ऐसी है कि एक दूसरे से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला एक ट्रक ड्राइवर और ट्रक ऑपरेटर है। इस विषय में हमारा जो भी साथ देगा हम उसके साथ रहेंगे। अभी हमने सभी प्रदेश के लोगों से संपर्क किया जो भी ट्रक ऑपरेटर हैं कि अगर इस तरह से गलत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से निवेदन करता हूँ कि इसमें निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके ऊपर पे केस दर्ज किया जाए, उनकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए, उनकी CBI जाँच कराई जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। नहीं तो हम लोग जो ये साथ हमारे दे रहे हैं विशेषकर अच्छे वरिष्ठ लोग,
हम उनके साथ में धरना आंदोलन भी करेंगे, जेल में भी जाएंगे, जैसा भी प्रदीप सूर्य अपने प्रहलाद अग्रवाल जी ने बताया, और हम सभी प्रदेश के साथ में अभी संपर्क में हैं और आगे भी इसकी लड़ाई हम जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाईचारा राजमार्ग परिवहन संस्था का कहना है कि इस मामले में विविध शहर के यूनियन से चर्चा चल रही है। यदि विधायक प्रदीप पटेल को इस मामले में गिरफ्तारी होती है तो सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन मिलकर रीवा में आंदोलन करेंगे। एनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।